नमस्कार। ओडिशा नेपाल मैत्री यात्रा शुणा को बहुत ही बढ़िया लगुव कारण मैत्री मित्रतार संपर्क ओडिशा और नेपाल मध्यरे क्यों काल रही आ स्वयं जगन्नाथ महाप्रभु जो बंधन अतुट बंधन से ओडिशा और नेपाल सृष्टि सृष्टि कर आपण मानक आम देखा जाऊँ आम ओमकार टीवी गोटे स्पेशल एपिसोड जो एपिसोड्रे आम ओमकार टीवी जड़े आक्टिव सदस्य रजत महांती जाऊँच नेपाल केवल ओडिशा मैत्री संपर्क को चारिआड़े प्रकाशित करने नमस्कार आपको स्वागत ओमका टीवी को सर आप जो ओडिशा नेपाल जो मैत्री यात्रा स्टार्ट होती मैत्री यात्रा नेपाल रो जो पशुपति नॉर्थ एरिया डेवलपमेंट ट्रस्ट चेयरमैन डॉक्टर प्रदीप ढाकल अनुरोध क्रमे स्वामी दिव्यानंद गिरीजी महाराजा सहयोगित सहभागित नेपाल भारत सांस्कृतिक सामाजिक और आध्यात्मिक मैत्री यात्रा शुभारंभ कराई ये यात्रा फल समा नेपाल भारत सहित तो जो संपर्क मान श्री जगन्नाथ मंदिर को मंदिर मंदिर प्रारंभ आरंभ कर विभिन्न समय नेपाल भारत भितर गोटे मैत्रीता स्थापन होती बेसिकाली पुरी सह जो संपर्क गोटे निविड़ श्री जगन्नाथ जो रत्न मंडप पर अन्य कौन राजा मैंने पूजन अधिकार ना एमती भी एपरिक गजपति महाराज जे प्रथम सेवक सी रत्न मंडप पर बस पूजा अर्चना करिवार तांकर सुजोग नाही केवल नेपाल नेपाल नरेश केवल पूजा अर्चना करती से नेपाल सहित भारत जो मैत्री जाता है मैत्री भारत नेपाल सांस्कृतिक सामाजिक एवं आध्यात्मिक आदान प्रदान गोटे सुजोग सृष्टि हो सही विभिन्न वर्ग विभिन्न मार्ग लोक प्रथम थर पर कार्यक्रम आरंभ हो कार्यक्रम आम विभिन्न वर्ग समाज विभिन्न वर्ग लोक मैंने साधु सन्त मान अच्छा समग्र भारत वर्ष तरुण तुर्क संगठक मान अच्छा शिक्षाविद शिक्षाविद मान अच्छा विभिन्न वर्ग विभिन्न मार्ग लोक मैंने ये जो गोटे कार्यक्रम शुभारंभ है आज भारत पूरी ओडिशार किसी लोक जा भारत वर्ष लोक मैंने जी नेपाल लोक मैंने आसवे भितर गोटे आध्यात्मिक सांस्कृतिक सामाजिक भाव आदान प्रदान ये गोटे शुभारंभ होता है आम गहन अंत भारत वर्षर सांस्कृतिक भारत वर्ष को सामाजिक भारत वर्ष को आध्यात्मिक भारत वर्ष को नैतिक भारत वर्ष को भौतिक भारत वर्ष को प्रतिनिधित्व करुवा विभिन्न वर्गर प्रतिनिधि मान अच्छा से प्रथम शुणु धन्यवाद आपन को सर जी बाबा जी आपको टीवी में स्वागत है। तो आज ये जो यात्रा शुरू हो रहा है उड़ीसा से नेपाल तो इसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? ये आध्यात्मिक मैत्री यात्रा है जो भारत से नेपाल भारत और नेपाल की तो पौराणिक योग से रही है सनातन की रही है त्रेता युग से रही है राम और सीता की जो विवाह हुई थी जनकपुर में तो उस याद को और भी ताजा करने के लिए उस मेमोरी को मॉडर्न टाइम में मॉडर्न एरा में हाउ टू रियलाइज द यंग पीपल उसको कैसे राम की जो संस्कार हो राम राज्यम हो उसे उसके लिए ये मेन पर्पस है इसका। मैत्री तो है ही हमारा और मैत्री नहीं हमारा पारिवारिक रिलेशन है संबंध है भारत में हमारे जो दैवत हैं राम हमारे दैवत हैं और राम की जो विवाह हुई है जनकपुर में यानी नेपाल में तो हमारा संबंध ये त्रेता युग से है और ये वर्तमान में इस युग में ये नौजवानों की युग है भारत नौजवानों का देश है तो
तो इस युग में राम की जो संस्कार है हमारे अंदर आनी चाहिए। जैसे उन्होंने 14 इयर्स का वन में नहीं गमन किया, उन्होंने करप्शन के अगेंस्ट में फाइटिंग किया। 14 इयर्स उन्होंने जो साधना नहीं कह सकते, वो भी एक यात्रा थी। तो आज के इस मॉडर्न युग में राम की संस्कार हो, कृष्ण के संस्कार हो, तो उसे हम लोग ताजा करने के लिए, उसे मेमोरी को रियलाइज करने के लिए भारत नेपाल मैत्री यात्रा है। धन्यवाद सर। आप बोले अभी जो पहले बार वो जो हो रहा है, आपको कैसे लग रहा है और आपको क्या सोच रहे हैं इसको, उड़ीसा और नेपाल का सारे लोग समर्थन करेंगे? हाँ, ये यात्रा जो मैत्रीपूर्ण व्यवहार के लिए और दूसरी चीज साधु संतों के संग है पूरा, तो एक मैसेज हमें समाज को भी देना है। जो नेपाल के साथ हमारा संबंध और ज्यादा मजबूत होगा, क्योंकि दोस्ती से ही और प्रेम से जो नाता बनता है, उस नाते से हम समाज के लिए कुछ बदलाव ला सकते हैं और प्यार से सब लोग एक दूसरे से मिलकर ही ये समाज तक पहुंच सकता है। अब जी थोड़ा बताएंगे, सबको बता दिया हमने, पूछा था क्या प्रभाव पड़ेगा उड़ीसा और नेपाल से, और कैसे लोग उसको ग्रहण करेंगे, जो अच्छा काम है, तो आपको कैसे लगता है इसके बारे में? देखिए, वैसे तो महाराज जी ने, माता जी ने काफी कुछ बताया है, फिर भी मैं बताता हूँ। ये मैत्री यात्रा है, ये जगन्नाथ मंदिर पुरी से लेकर नेपाल पशुपतिनाथ के मंदिर तक है। जगन्नाथ भगवान मतलब नारायण, नर से नारायण की यात्रा समझिए, पशुपतिनाथ मतलब महादेव, शिव से शव से शिव बनने की यात्रा है। हमारे हिंदू धर्म के अंदर एक कॉन्सेप्ट है वसुधैव कुटुंब, ये पूरा विश्व जो है एक परिवार है। अभी नेपाल तो देखिए माता सीता का जो है मायका है, अब यहाँ पे अयोध्या में राम जी का घर है, तो राम जी के घर से माता सीता के मायके के पास जाना, इसका मतलब वापस से हम अपने कल्चर और अपनी संस्कृति की ओर जाना, राम राज्य की ओर जाना, हमारी गुरुकुल व्यवस्था की ओर जाना। जोटा ओडिशा रे आज पर्यंत आसी नाही, 2200 शाळाग्राम नेकरी आमे आसीबू, जो शाळाग्राम एते संख्या रे ओडिशा रे केबे आसीनी। प्रथम थर पे स्वामी दिव्यानंद सरस्वतींकर नेतृत्व रे ए शाळाग्राम आसीबो। दिव्यानंद सरस्वतींकु नेपाळ रो सरकार 200 एकर जागा दैछंती, पशुपतिनाथ मंदिर रो गोशाळा रो सबु दायित्व दैछंती। तेणु नेपाल आमर ओडिया जने साधु एते भल भाव भल अवस्था अच्छा, सी गले स्टेट गेस्ट हिसाब से नेपाल गवर्नमेंट ट्रीटमेंट करुँ, आमपे स्वामी दिव्यानंद एक गर्व। तेणु आम आने को जाऊ शाळाग्राम 24 तारीख आसी एउटू स्वागत यात्रा आरंभ हम।